जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, वो भी आपके बारे में बुरा नहीं कहते। आप हमारे एक स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव में आए थे, वहां पे विपक्ष के तमाम नेताओं ने खड़े होकर आपकी तारीफ की। ये मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो तो लड़ते हैं भिड़ते हैं, ये खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं गडकरी जी ठीक है। आपकी फिलॉसफी में, आपके काम करने के तरीके में और जो आपकी पार्टी के बाकी लोग हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, आपको कहीं लगता है कि क्या ये कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई भी आए हो, तो मेरी सोच पॉजिटिव होती है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता कि जो वो हमारे पास आया इसका मतलब उसकी कोई ना कोई समस्या है, तो पॉजिटिव अप्रोच मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, दूसरा उसको अच्छी तरीके से रिसीव करो, और तीसरा नहीं हो सकता तो उसको बताओ कि भाई इसमें अड़चन है, ये नहीं हो सकता। मैं कोई पॉलिटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से व्यवहार नहीं करता, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है, और इसलिए जो मेरा विरोधी भी होता है वो मेरा दोस्त बनता है। इट इज बिकॉज ऑफ माई नेचुरल जो कुछ है उसके। पर अभी के जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट हमें चाहे वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस की सोच में आपको चेंज करना है, इसको जड़ से फेंकना है, क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत में विश्वास करते हैं? देखिए, कांग्रेस और हमारी विचारधारा अलग अलग है। अगर हमारी विचारधारा एक होती तो हम एक ही पार्टी होते हैं, और राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए, और इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी भी जब होती, हमारे देश की परंपरा ही है, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी भी अपोजिशन पार्टी का स्वागत करते हैं, और जब भी कोई आता है तो उसके साथ हम लोग विचारों की मतभिन्नता है उस बात को, कि जब क्या होता है कोई शब्द अलग अलग यूज करता है, आप लोगों को दिन भर टीआरपी चाहिए, आप उसको बराबर लगा के आप आग लगाने का काम कर देते हैं, तो ये चलता ही है। आपने आपका काम करना चाहिए, हमने हमारा काम करना चाहिए, जिसको जो समझना है उसने समझना चाहिए। हम वैसे टीआरपी के पीछे नहीं भागते, मैं कह दूं। नहीं, पर गए तो गलत नहीं, देखो हा? आप गलत जो कहते हो वही हम दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आप कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हो। नहीं नहीं, वो मैं देख के दुनिया कंफ्यूज रहती है कि पता नहीं क्या बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं, जो मैंने नाम नहीं लिया है। एक आदमी होशियारी से एक न्यूज बनाता है, और आपने भी ये किया है, और मुझे मैं जो देखो, मैंने एक को कहा कि तुमको गोली मारनी है तो मेरे कंधे पे क्यों रखते हो, तुम रखो ना, मारो ना गोली, हिम्मत है तो मेरे कंधे पे क्यों रखते हो, मुझे संकोच नहीं, मैंने जो कहा मैं स्वीकार करता हूं। तो जो मैंने कहा नहीं वो मेरे नाम पर डालकर दिन भर फिर रात को 8 बजे चर्चा, गडकरी ने क्या कहा, तो खैर मैं आपको दोष नहीं देता, इट इज ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं चूंकि आपने कहा कि आप जो कहते हो तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या कह रहे थे और क्यों और उसका क्या मतलब है, ताकि आपने भी देखा, आपने कहा कि सबने शोज किए, बातचीत हुई, तो आप ही बताइए, मैं आप ही का बयान आपके सामने पढ़ के बताता हूं, आप ही समझाइए कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये September 13, 2016, अच्छे दिन स्लोगन इज हैंगिंग अराउंड आवर नेक्स, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फर्स्ट यूज इट, देन मोदी बोरोड इट, नाउ इट्स जस्ट अ बोन स्टक इन आवर थ्रोट्स। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि 100% समाधान ये कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर रखती है चाहिए, जिससे स्कूटर होती है उसको लगता है गाड़ी खरीदनी चाहिए, जिसके पास गाड़ी होती है उसको मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, और जिसके पास 5 एयरक्राफ्ट है वो भी दुखी है। तो मैंने ये कहा था कि समाधान मानने के ऊपर होता है। अभी जैसे अरुण जी है, अब आपका चैनल बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, फिर भी वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं 100% खुश हूं, आप अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कहेंगे और आगे जाओ, और 2 खोलो, और आगे क्यों नहीं जा सकते, ये मानवीय स्वभाव है। तो मैंने यही कहा था कि समाधान मानने के ऊपर होता है, और इसलिए अच्छे दिन जो मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं है। जिसके पास खुद का छोटा मकान है 460 स्क्वायर फीट का, वो बोलता है मेरे अच्छे दिन आए हैं, और जिसके पास 1 लाख स्क्वायर फुट का बंगला, वो बोलता है मैं दुखी हूं। तो ये मानने के ऊपर होता है। ऐसे में नेता अच्छे दिन क्यों प्रॉमिस करते हैं? ऐसे में नेता लोग अच्छे दिन क्यों प्रॉमिस करते हैं? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, मैं आपको बताता हूं, 3.5 करोड़ बैंकों में खाते थे, आज 34 करोड़ हुए, 70,000 करोड़ डिपॉजिट आया, उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए। 6 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गैस सिलेंडर और सिगड़ी बनी, जो लकड़ी की चूल्हा जलाते थे, उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए। 10 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिला, जो हार्ट और कैंसर की बीमारी का इलाज कर रहे, उनके लिए अच्छे दिन नहीं है। मुझे बताइए, आज किसानों के लिए
6000 करोड़ उनके अकाउंट में जा रहे हैं, कोई बोलता कम है ज्यादा है, पर उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए। देखिए जैसे ये पैकेज का होता है, एक चैनल में काम करता है तो 25 लाख का पैकेज होता है तो भी वो दुखी रहता है, फिर 27 लाख रुपए मिला तो दूसरे चैनल में जाता है, फिर वहां से 30 लाख में जाता है, फिर भी वो दुखी रहता है कि और 50 लाख का मिल सकता है क्या, देखता है। ये मानवीय स्वभाव है, यही बात मैंने कही थी, इसमें क्या गलत है। ये सब लोग भी देखिए, अभी इसमें से आप किसी को पूछो कि आप पूरी तरह समाधानी ऐसा कोई है क्या, कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ का है पर मेरा 1500 करोड़ क्यों नहीं होता, इसलिए मैं दुखी हूं। अब कोई कहेगा कि मुझे 10000 रुपये तनख्वाह मिलता है मैं खुश हूं, तो ये मानने पे होता है, ये बात मैंने कही थी।